तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इफ्तारी सप्लाई करा, मतलब इफ्तारी सप्लाई कर रही है जो तेलंगाना गवर्नमेंट और पुलिस की तरफ से ये किया जा रहा, जो तो हर साल की तरह ऐसा स्टार्टिंग में अब शुरू हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसा सपोर्ट और ऐसा हर चीज़ के मतलब सहूलत भी यहाँ पर मिलता, यहाँ पर देख सकते हैं। पपाई, तरबूज, सपोटा, बनाना, खीरा, अंगूर, खजूर, पूरे 7 आइटम्स रहते हैं इसके अंदर। ये प्राइस की तरह क्या? प्राइस है 30 रुपीज़। 30 रुपीज़, माशाल्लाह। देखिए देखिए हमारे पास 40 रुपये, अगर यही हलीम बाहर लेंगे तो आपको 100 रुपये मिलती। एक नंबर वन हलीम है और बहुत अच्छा जायका है, यहाँ के लोग तारीफ करते हैं मक्का ईद में खा के। आवाम के लिए, रोजगार के लिए खिदमत है। हाँ, हम लोग यही बस्ती के रहने वाले हैं और यहीं पे हर साल। देखो ये जो हंगर जो ट्रस्ट के अंदर से ये लोग हर साल की तरह इस साल भी आए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इफ्तारी, तो इन लोगों के साथ भी मिलेंगे और बाकी जो शेयर भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? आई होप के सब अच्छे होंगे। आप सबको रमज़ान मुबारक। तो रमज़ान की खूबसूरत महीना चालू हो गया और जिसके वास्ते मैं आगे देख सकते हैदराबाद का अब द बिगेस्ट एंड हिस्टोरिकल प्लेस जो है मक्का मस्जिद, जहां पे हज़ारों की तादाद में लोग आके एक साथ यहां पे इफ्तारी के लिए जमा होते हैं, खास करके मगरिब के टाइम पर रहता, खास करके इफ्तारी के टाइम पर क्या क्या बंदोबस्त रहता यहां पे। और साथ साथ यहां पे भी जो फ्री ऑफ कॉस्ट इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूशन करते लोग आके यहां पे एक ट्रस्ट की तरफ से, तो उन लोगों के साथ भी आप लोगों को मिलाएंगे, कैसा क्या मंजर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बस आप लोग वीडियो में बने रहिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाए। और चलिए बिना देर करें यहाँ का खूबसूरत मंजर क्या है वो आप लोगों से शेयर करते। तो यहाँ देखिए ये लोग ऑलरेडी पैकिंग करके क्या क्या रखे भैया ये इसमें? इसके अंदर ये बॉक्स के अंदर 7 आइटम्स आते हैं पूरे जी। पपाई, तरबूज, सपोटा, बनाना, खीरा, अंगूर, खजूर, पूरे 7 आइटम्स रहते हैं इसके अंदर। ये प्राइस की तरह क्या? प्राइस है 30 रुपीज़। 30 रुपीज़, माशाल्लाह। देखिए तो ये आराम से एक जने को के दो जनों का भी इफ्तारी हो जाता। ये किसका है भैया? ये भी आप लोग का है? ये भी अपना ही है। इसमें भी 7 आइटम्स रहते हैं। अच्छा, ओके। इसमें भी देखिए पूरे फ्रूट्स भर के रखे। ये कितना? ये भी 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ का है। इसके अंदर दो किस्म के अंगूर है, ओके, ब्लैक वाला, एक ग्रीन वाला, और अनानास है इसके अंदर, ओके, माशाल्लाह। और जो तरबूज है जी, हैदराबाद के फेमस चीज जो है हलीम, यहाँ पे भी मिल रहा। तो ये कितने में दे रहे हैं आप लोग? 30 रुपीज़। ये भी 30 रुपीज़ में प्लेट दे रहे हैं, तो जो आप रीजनेबल रहता। और ये भी ऐसे पूरा फ्रूट्स के देखिए यहाँ पे पूरा सजा के रखे, पैक करके आपको कट करके फ्रेश रखे, आप खाली लेके जाके इफ्तारी के टाइम में यूज कर सकते हैं। जूस आइटम भी रखे। ये क्या है? क्या जूस है भैया? ये लस्सी है। ये लस्सी है? ये भी लस्सी है। अच्छा, ये भी लस्सी है, फ्लेवर अलग है कहते हैं, मगर क्या है बोलते, थोड़ा फ्लेवर अलग है। रेट प्राइस क्या रखे भैया इस साल? लस्सी कितने में? 30 रुपीज़ में है कहते। तो यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे हैं जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया। फ्रूट सलाद भी रखे, देखो कितने में दे रहे भैया? ये 50 रुपीज़ में है। खाजू ऐसा अलग से रखे, ये फालूदा रखे 30 रुपीज़ में, माशाल्लाह। हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, पानी तो है ही है। और यहाँ पे देखो पूरा फ्रूट्स भी रखे, ये भी 30 रुपीज़ में, ये भी फालूदा है, मिल्क शेक भी रखे। तो भाई ने और एक स्पेशल चीज़ करें, ये क्या है? खजूर के हैं, 250 में पैकेट रखे भाई। अगर होना है तो आपको यहाँ से भी ले सकते हैं, 500 ग्राम का है जी। अस्सलाम वालेकुम, रमजान मुबारक। आप लोग यहाँ पे जो मस्जिद के अंदर रखे इफ्तारी के बंदोबस्त रखे ना? हाँ, इफ्तारी के वास्ते रखते हैं। सहूलत के लिए मतलब बोलो, कैसे क्या आपको कितने में प्राइस में दे रहे, हाल ही बेच रहे हैं आप? इफ्तारी के वास्ते रखते हैं और खास करके रोजदारों की खिदमत के लिए बैठे हैं जी। और वो बहुत ही कम रेट है हमारे पास हलीम। बताइए ना, ये हलीम देखिए हमारे पास 40 रुपए, अगर यही हलीम बाहर लेंगे तो आपको 100 रुपए मिलती। एक नंबर वन हलीम है और बहुत अच्छा जायका है, यहाँ के लोग तारीफ करते हैं मक्का ईद में खा के। अब हम चाहते हैं दुआ के मोहताज हैं,
हलीम के दुआओं के मोहताज है रोज़। तो चीप एंड बेस्ट प्राइस में आप दे रहे हैं ताकि लोगों को फायदा हो। ये खिदमत है मतलब रोजगार आवाम के लिए खिदमत है, आवाम के लिए रोजगार के लिए खिदमत है। जी जी बहुत बढ़िया। हम लोग यही बस्ती के रहने वाले हैं और यहीं पे हर साल काम करते हैं। आइए आपको सलामत रखे और जो है बस इसी तरह खिदमत करते जाइए, ठीक है। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी बहुत सारा शॉप लगे हुए हैं, तो मैं और कुछ ज्यादा नहीं दिखाते, खाली यहाँ पे भी दही बड़े भी दिखाए, दही बड़े भी रखे। दही बड़े के प्लेट कितने? हाँ खजूर की पैकेट। ये दही बड़े कितने में दे रहे प्लेट? बीस रुपए में दे रहे। देखो ऐसे 20 रुपए में दो तीन दही बड़े रखे, अच्छा दही भर के रखे, आपको आपके हिसाब से ले सकते क्वांटिटी। हालिम भी दिखा दिए भाई के पास भी, यहाँ मैंगो जूस भी है देखो, और ये फालूदा भी रखे। फालूदा है ये? फालूदा भी रहेगा, स्ट्रॉबेरी जूस है माशाल्लाह। ये 30 रुपए में दे रहे क्योंकि लोगों को मतलब सहूलत होता, कुछ मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लेके जाके खिला सकते खा सकते डायरेक्ट। ये देखो यहाँ पे दही बड़े कितने में दे रहे भाई? 20 रुपए में प्लेट में भाजी भी हो बिल्ला मिल जाएंगे यहाँ पे दही बड़े और बना रहे। बाकी क्वांटिटी में तो लगा के रखे, आपको जितना होना उतना आपको 20 रुपए में दे रहे। देखो ये पूरे जो है आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएगा। तो मगरिब और जितना नज़दीक आ रहा देख सकते धीरे धीरे पब्लिक की और मतलब अच्छा खासा पब्लिक आने लग गया। और यहाँ पे हर रमज़ान की तरह यहाँ पे भी देख सकते ये पूरा ऐसा मतलब पेंडल जैसे लगा के पूरा डेरा लगा के अच्छा ये करके रखे ताकि पब्लिक को बैठ के अच्छा सुकून से खा सकते हैं। इसके अंदर जो है लाइटिंग की भी बंदोबस्त किया गया और साथ साथ पंखा का भी और कूलर का भी अच्छा बंदोबस्त करें ताकि गर्मी से कुछ परेशानी ना हो। तो यहाँ पे भी जो बता रहे थे देखो ये जो हंगर जो ट्रस्ट के अंदर से ये लोग हर साल की तरह इस साल भी आए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इफ्तारी, तो इन लोगों के साथ भी मिलेंगे और बाकी जो शेयर भी करेंगे। बहुत मतलब खुद से आके इतना मेहनत से यहाँ पे काम कर रहे हैं और पूरा यहाँ पे जमा लिए देखो हर चीज़ कैसे क्या पार्सल कर रहे हैं वो लोग, वो भी मैं आप लोगों को ज़रा दिखा देता हूँ। पूरा पैक करके ला लिए यहाँ पे देख सकते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम लोग तो वॉलंटियर्स है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से आके हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इफ्तार के यहाँ पे और खाने यानी खिलाने की जगह भी ज़्यादा सब है। इसमें बार कोड है, इसमें है आपको स्कैनर है, गूगल पे नंबर ये वो है, आप आइए इंस्टा के पेज पे आके फॉलो कर सकते हैं, उस पर अपडेट देख सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं हर रमज़ान की तरह यहाँ पे भी हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई की तरफ से यहाँ पे भी पानी की खिदमत के वास्ते आवाम के लिए पब्लिक के लिए पानी की खिदमत के वास्ते पूरा यहाँ पे लगाया गया ताकि आप अपने हिसाब से पानी लेके जाके साफ कर सकते पी सकते फ्री ऑफ कॉस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम भैया। मैं जी रमजान मुबारक, मैं वाटर वर्क डिपार्टमेंट से हूं। मैं वाटर वर्क डिपार्टमेंट से हर साल रमजान में ये मक्का मस्जिद में फ्री ड्रिंकिंग वाटर कैंप लगाते हैं हमारी तरफ से, के तमाम मुसल्लियों के लिए पानी की सहूलत के लिए हम वाटर कैंप लगाते हैं। ये हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जिसमें हमारे एमडी साहब का गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना वाटर वर्क डिपार्टमेंट हमारे एमडी साहब के इंस्ट्रक्शन रहते हैं कि ये पूरा एक महीना फ्री ड्रिंकिंग वाटर कैंप रहता है हमारा, प्यूरिफाई वाटर ठंडा था वाटर वर्क डिपार्टमेंट की तरफ से ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बस इसी तरह पब्लिक को खिदमत करिए और दुआ भी हमें याद। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जरूर। यहाँ पर भी देख सकते हैं महाराष्ट्र के आउट ऑफ स्टेट का भी बहुत सारे लोग आके यहाँ पे भी इफ्तारी करते हैं, कि हर जगह के लोग यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं कुछ लोगों से आपसे मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भैया, रमजान मुबारक। तो फर्स्ट रोज़ा फर्स्ट इफ्तारी जो है मक्का मस्जिद में कर रहे हैं ना आप लोग, तो कैसा फील हो रहा? और ख़ास करके थोड़ी देर पहले जो है आपको पुलिस ऑफिसर आके भी खुद जो है इफ्तारी सब करके गए, तो आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लगा, और ये पहले रोज़े के लिए पहला रोज़ा जो कराया उन्होंने बहुत अच्छी बात है। महीना भर ऐसे चलते रहता है, जो यहाँ मक्का मस्जिद है यहाँ पे हर बड़े बड़े गांव के लोग आते हैं, बड़े बड़े शहरों से लोग आते हैं अफ्तारी करने के लिए यहाँ पे। आप कहाँ से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से माशाल्लाह। तो यहाँ पे कैसे आना हुआ, मतलब काम कर? ये रमज़ान की खरीदी, सेवी की खरीदी ईद के लिए। हाँ बिजनेस पर्पज से? हाँ माशाल्लाह। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। बस आप हैदराबाद के लिए और मक्का मस्जिद के लिए दो लाइन आप क्या बना सकते? बस मक्का मस्जिद की अफ्तारी बहुत अच्छी है यहाँ की, वो एक नंबर। बहुत बहुत शुक्रिया।